नोटबंदी से देश बेहाल है, लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं, कहीं लाठी चल रही है तो कहीं पुलिस के डंडे। लेकिन अब जो खबर हम आपको दिखाएंगे वो बेहद चौंकाने वाली है कि नोटबंदी ने कैसे शिक्षा के मंदिर को अपमानित कर दिया। आइए देखते हैं रिपोर्ट। शिक्षा पर भारी पड़ी नोटबंदी, नोटबंदी के चलते शिक्षा का मंदिर हुआ बदनाम। विद्या के मंदिर में छात्रों को बंधक बनाने का पाप, फीस नहीं तो पढ़ाई नहीं। नोटबंदी से पूरे देश में हाहाकार मचा है। कैश के लिए कहीं दो गुट आपस में भिड़ रहे हैं तो कहीं पुलिस लोगों पर डंडे बरसा रही है। नोटबंदी से जुड़ा एक और हैरान करने वाला मामला सामने आया है ताज नगरी आगरा से, जहां नोटबंदी की ऐसी मार पड़ी कि शिक्षा का मंदिर अपमानित हो गया है। दरअसल मामला आगरा के मशहूर कर्नल ब्राइटलैंड पब्लिक स्कूल का है, जहां स्कूल प्रशासन पर आरोप लगा है कि नई करेंसी में फीस जमा नहीं करवाने पर उन्होंने छात्रों को बंधक बना लिया। चौंक गए ना आप? डरा और सहमा ये छात्र है वत्सल मगवानी। इस छात्र का आरोप है कि फीस जमा न होने पर स्कूल प्रशासन ने पहले तो उसे कक्षा से बाहर निकाल दिया और बाद में बंधक बना लिया। दरअसल नोटबंदी के चलते छात्र के पिता ने स्कूल प्रशासन को चेक से फीस देने की पेशकश की थी, क्योंकि स्कूल की फीस हजारों में है और जाहिर है कि नोटबंदी के बाद लोग इस हालात में नहीं हैं कि वो इतनी बड़ी रकम कैश में जमा करवा पाएं। लेकिन स्कूल प्रशासन नई करेंसी में ही फीस लेने पर अड़ा रहा। छात्र के पिता का आरोप है कि स्कूल प्रशासन काफी मिनटों के बाद भी नहीं माना और कई छात्रों के साथ इनके बेटे को भी बंधक बना लिया। उन्होंने मुझे क्लास से बाहर निकाला, पहले तो उन्होंने मुझे इंटरवल तक मतलब 10:30-11 बजे तक ऑफिस के बाहर खड़ा रखा। उसके बाद उन्होंने मुझे स्कूल के ऑडिटोरियम में नीचे 5-6 बच्चे हम थे उन सबको नीचे बंद कर दिया। पिछले 2-3 दिन पहले मेरी बात हुई थी तो मैंने कहा भाई नई करेंसी नहीं है मेरे पास, पुरानी करेंसी आपको चाहिए तो ले लो या नई करेंसी का इंतजार करूँ। फिर मैंने अपने बेटे को बात हुई, बोले चलो मैंने चेक भेज दिया, मैंने खत्म करना झंझट। चेक भेज के मेरा बड़ा बेटा गया, 19 साल का है राहुल। उन्होंने फिर क्या किया, उसको उठा के कमरे में बंद कर दिया, क्लास में नहीं भेजा। 12:30 बजे फोन बजे इसका फोन आया कि पापा ने तो मेरे को बाहर जाने दे रहे हैं ना अंदर जाने दे रहे हैं और हमको कमरे में बंद करके रखा हुआ है 10-15 बच्चे और। बंधक बनाए जाने की खबर जैसे ही पिता को मिली तो उन्होंने पुलिस को फोन कर इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बंधक छात्रों को छुड़वाया। इस घटना के बाद छात्र के परिवार ने डीएम कार्यालय में स्कूल के खिलाफ शिकायत की, जिस पर सिटी मजिस्ट्रेट संदीप कुमार गुप्ता ने स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इन्होंने बताया कि वहाँ पर जो है बच्चों को जो है नहीं नहीं ये तो रख लिया था और उसको छुड़वाया गया। अब इसमें उनसे पूछ लिया जाए, मुझे फैक्ट्स पता चले, जो भी आवश्यक कार्रवाई होनी आवश्यक विधिक की जाएगी। एक तरफ मोदी सरकार कैशलेस इंडिया का सपना देख रही है और सबको ई वॉलेट और ई बैंकिंग का इस्तेमाल करने की सलाह दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देश से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि लोग ई वॉलेट के इस्तेमाल के लिए अभी तैयार नहीं हैं। आगरा से डीबी लाइव के लिए कामरान वारसी की रिपोर्ट। तो आगरा से सामने आई ये तस्वीरें काफी शर्मनाक है, स्कूल प्रशासन पर काफी गंभीर आरोप लगे हैं। ये तस्वीरें दिखाती है कि नोटबंदी से ना सिर्फ किसानों को बल्कि छात्रों को भी काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है। देखते रहिए डीबी लाइव।